विदेशी बाजार में मंदी के रुख के बावजूद दिल्ली तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ एवं पामोलिन के भाव में सुधार दर्ज हुआ। इसका कारण शिकागो एक्सचेंज में तेजी है, जो बुधवार रात लगभग 2% मजबूत बंद हुआ था। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 1% नीचे था, जबकि शिकागो एक्सचेंज फिलहाल 0.5% नीचे रहा। देश की मंडियों में सोयाबीन की आवक निरंतर घट रही है और किसान सोयाबीन की बिक्री कम भाव पर करने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि सोयाबीन की प्लांट डिलीवरी कम होने से मिल वाले सीधा मंडियों से सोयाबीन दाना की ऊंचे भाव पर खरीद कर ले रहे हैं। इस वजह से सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव में सुधार है। सूत्रों का कहना है कि सरसों की उपलब्धता काफी कम रह गई है। मौजूदा बरसात सरसों के लिए फायदेमंद है, पर इसके कारण अगली फसल में देर हो सकती है। सरसों की अगली परिपक्व फसल मार्च के आरंभ तक मंडियों में आने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सलोनी शमशाबाद ने सरसों के भाव को 8,350 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये क्विंटल कर दिया है, जिससे सरसों तेल तिलहनों में के भाव में मजबूती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।